हॉस्पिटल हर समय समाज में विविध बीमारियों को लेकर जन जागृति करता है और इसी श्रृंखला में किम्स किंग्सवे किनफिटर सेमिनार का आयोजन कर ओबेसिटी जैसे बढ़ रहा है उससे लड़ने के लिए और इलाज को लेकर आज इस सेमिनार में डॉक्टर सुशील लोहिया और डॉक्टर मुकेश संचेती द्वारा जानकारी साझा की गई है। किम्स किंग्सवे हॉस्पिटल द्वारा समाज में बढ़ते ओबेसिटी मोटापे को लेकर होने वाली बीमारियों के संदर्भ में जानकारी साझा की गई। साथ ही जिस तरह से ओबेसिटी बढ़ रही है उसे देखते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसकी जानकारी पहुंच सके, ओबेसिटी क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचे, इन सारी चीज़ों का नॉलेज लोगों में हो इसलिए सेमिनार का आयोजन किया गया है। हेलो, मायसेल्फ डॉक्टर सुशील लोहिया, आई एम ए लैप्रोस्कोपिक एंड बैरियाट्रिक सर्जन एट किम्स किंग्सवे हॉस्पिटल नागपुर। सो लास्ट टाइम जैसे हमने आपसे बात की थी कि हम फिटनेस और ओबेसिटी को फाइट करने के लिए वी विल कीप डूइंग एक्टिविटीज़, तो आज का ये जो सेमिनार है दिस इज़ फॉर डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, जिम ट्रेनर्स, जिम मैनेजर्स। ओबेसिटी जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है हमें उसको फाइट करने के लिए ग्राउंड लेवल तक के जाना और ग्रास रूट लेवल पे एक्ट करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आज हम ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किए हैं क्योंकि वी वांट पीपल टू अंडरस्टैंड ओबेसिटी क्या है, कैसे होती है, उससे कैसे निपटा जा सकता है, हाउ बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसको फाइट करने के लिए ज़रूरी है और कम्युनिटी में नॉलेज एंड अवेयरनेस इंक्रीज करना जरूरी है, इसीलिए आज ये सेमिनार है जिसमें हम ओबेसिटी के कारण, उसके पैथोलॉजी और उसके ट्रीटमेंट प्लान के बारे में डिस्कस करें। मोटापा, इस बीमारी को लेकर आज किम्स किंग्सवे हॉस्पिटल में जन जागृति को लेकर सेमिनार किया गया जिसमें बच्चों में बढ़ती ओबेसिटी और उससे होने वाली बीमारियों की जानकारी साझा की है। साथ ही स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ऐसा डॉक्टर मुकेश संचेती द्वारा कहा गया। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश संचेती है। मैं किम्स किंग्सवे हॉस्पिटल में जॉइंट रिप्लेसमेंट और फिटनेस कंसल्टेंट सर्जन हूँ। आज का जो हमारा ये कॉन्फ्रेंस रखा गया है ये मोटापे के बारे में रखा गया है। मोटापा अपने आप में एक बीमारी है और ये 10 और बीमारियों को अपने साथ लाती है, तो इसे आजकल की जो अपनी दिनचर्या है या लाइफस्टाइल है उस वजह से ये मोटापा बच्चों में, बड़ों में हर जगह बढ़े जा रहा है। इसका मेन जो रीज़न है ये फिज़िकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है जिस वजह से लोग आजकल अपने सेहत पे ध्यान न देते हुए ये बाकी चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लग गए हैं। हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा स्वास्थ्य जो है ये सबसे बड़ी हमारी इनकम है, इस पे ध्यान देते हुए हम सब लोगों ने मिलके मोटापे से लड़ते हुए इस बीमारी से बचने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। धन्यवाद। आज के व्यस्त जीवन शैली, तनाव और खानपान को लेकर लापरवाही मोटापे का कारण बनता जा रहा है जो वजन बढ़ने के कारणों में सबसे अहम है। इन दिनों यह एक आम समस्या बनती जा रही है। भारत में ही लगभग हर घर में कोई ना कोई इस बीमारी से ग्रस्त है। कई बार अधिक वजन आपको शर्मिंदा भी कर सकता है। केवल इतना ही नहीं, मोटापा आपको कई अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की ओर भी ले जाता है। यह तो स्पष्ट है कि मोटापा किसी भी तरीके से मददगार नहीं है बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। NBC न्यूज के लिए राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।